अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, तुम कैसी हो? चल अब चुप करवा, चुप करवा ना भाई। नहीं वो नहीं चुप करेगा, वो अब्बा से नहीं चुप करता, वो मामा के पास जाकर ही चुप करेगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम कर रहा है आज भाई कराची के गोल्फ क्लब से, बिकॉज सुबह सुबह हम लोग उठते ही आ चुके हैं गोल्फ क्लब। थोड़ा बहुत मैं भी सीख रहा हूँ और सिखाने वाले मेरे उस्ताद हैं वसीम भाई, बिकॉज वसीम भाई तो इंटरनेशनल प्लेयर है। ओए होए होए, 300 मीटर पर गई है वसीम भाई आपकी बॉल। देखिए आपने भी तो अच्छी यार, मैं तो बस अभी तक 150-200 तक पहुँच पाया हूँ बहुत मुश्किलों से, बट वसीम भाई की शॉट Huge. वसीम भाई अभी मुझे एक दो और क्लास देंगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी जब मैं लाहौर वाले गोल्फ क्लब गया था तभी वसीम भाई ने मुझे सिखाया था कि यार इस तरह से खेलना है, दुल्कना है। मैंने कहा यार वसीम भाई मैंने तो कभी जिंदगी में स्टिक नहीं पकड़ी। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, अभी फिर पकड़ो और सीखो और खेलो। और हमारे साथ प्यारी सी एजल भी आई है, एजल की मम्मा भी आई है और हमारे जाली भाई भी आए हैं। जाली भाई ने भी आज थोड़ा बहुत गोल्फ खेलना सीखना भी है ना। ला जी वसीम भाई अब हमारी बारी। अभी ये जुलकर खच मारने लगे हैं। ये बड़ी वाली ये कैमरा प्रेशर फौरन आ जाता है। अल्लाह की कसम आपसे तो लगी अच्छी मार रहे हैं। ये वाली मजे की शॉट थी सबसे। क्या बात है, 400 गई है, 400 नहीं है। इसने ब्लॉग बनाना शुरू किया साथ। चलो दोबारा से, चलो दोबारा, चल अब वो ऐसे ही अच्छी बात। अभी लगेगी आपने उसी जगह खड़े रहना, हिलना नहीं। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, वाओ। हाँ इधर ही खड़े, ये अच्छा है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मुझे यही डर है स्टिक ना मेरे मुंह पे मार देना। बहुत वगैरह खेल कर हम लोग हो चुके हैं फ्री। साजी कैसी खेली है? एक्सीलेंट ना। हाँ नहीं साजी कह रहे हैं अच्छी खेली है। A few minutes later, गोल्फ वगैरह से फ्री होकर हम लोग आ चुके हैं और ये अमानुल्लाह भाई वासिल को पकड़ा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वासिल वासिल से मेरी पहली मुलाकात हो रही है, बिल्कुल माज जैसा है माशाल्लाह। मुझे लगता है कि नीचे ना पॉडकास्ट का सीन शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तुम कैसी हो? पॉडकास्ट का सीन चल रहा है, जलाल कमल और साथ पे माज और ये है कैमरास और यहाँ है बच्चे। हाँ 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 मुझे दे दे, मुझे लगता है बासिल रो रहा है। आप टिक जाओ, आप टिक जाओ। उस साइड पर पॉडकास्ट चल रहा है और यहाँ बच्चे तंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मुझे अब इसको संभालना पड़ेगा, भाभी को वासिल को संभालना पड़ेगा। 2 hours later, पॉडकास्ट से जी हो चुके हैं फ्री और खाना शाना खाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, बस देखते हैं कि माँ सब कहाँ लेकर चलते हैं। तो चलो चलो, ये है कि बस वो खुला हो, नहीं अभी भी खुला है, वो भी टाइम का हो गया, देख लेते कुछ तो खुला होगा। चलो 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 चलो, ये बच्चा पार्टी भी कुछ खाती पीती फिर रही है। भाई हम भी तुम्हारे जैसी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं यहाँ, सेम सेम कंफ्यूज हो गए थे ना कि इसमें बैठने की इसमें। सही बात है, चलो बैठो, हम भी बैठ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तुम्हें। अभी बीच किनारे एक रेस्टोरेंट पर आए थे, लेकिन यहाँ तो भाई खाने पीने का सीन शुरू होगा तकरीबन रात के 7 बजे और हम लोग रात के 7 बजे तक वेट नहीं कर सकते, इसलिए अभी अपना बोरिया बिस्तरा दोबारा से उठा कर रखने लगे हैं गाड़ी में। अबे जाली भाई तू छोड़ दे, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के मामला का, तो जिनको एक्सपीरियंस है ना उनको ही करने दे यार। ये जी बोरिया बिस्तरा अपना रख लिया हम लोगों ने दोबारा गाड़ी में, गाड़ी की करेंगे डिक्की बंद और बैठेंगे अंदर और जाएंगे किसी और रेस्टोरेंट में। पहुंच गए जी दूसरे वाले रेस्टोरेंट में, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कम है हमारे पास, तो बस जल्दी जल्दी से हल्का फुल्का कुछ खाए पिए। चल अब चुप करवा ना भाई। नहीं वो नहीं चुप करेगा, वो अब्बा से नहीं चुप करता, वो मामा के पास जाकर ही चुप करेगा। हमारी वाली तो सो रही है सुकून से आराम से, इसने चपेट मारी रास्ते में यार, इसको ना इसको
अच्छा मैं कुछ करती नहीं हूँ, दूसरे के सामने ड्रामे करती हूँ, मैंने ऐसे किया लेकिन पता है क्या होता है, तेरा लड़का है ना बाप को लड़के के साथ थोड़ा इतना, लड़की के साथ अभी और औलाद होगी इंशाल्लाह, एक लड़की अल्लाह ताला दे फैमिली कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, और उससे ये होता है कि लड़की के साथ बाप को बहुत ज्यादा लगाव होता है, वो कह रहा होता है बॉयज का ये होता है यार ये अपने जैसा हो जाएगा चल जाएगा, हाँ माओ को ज्यादा होता है, सही बात है मुझे लगता है कि हमारी बेटी होगी, ये कहती नहीं हमारा बेटा होगा, मैंने कहा बेटी होगी, तेरी क्या थी बेटी, तुझे भी लगता था कि बेटी होगी है, लेकिन जब भी वासिल हुआ फिर ठीक है भाई, ठीक है यार आजा भाई आजा, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है, थैंक यू सो मच माज यार खाने के लिए भी और टाइम के लिए भी, और भाभी आप भी बहुत मज़ा आया खाने, नहीं नहीं सही बात है बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, अब आप लोग आए ना लाहौर फिर, हाँ इंशाल्लाह, हाँ यार भाई मेरे ने 18 करनाल का अपना रिसॉर्ट बनाया है भाई, एक दफ़ा भी दिखाया नहीं, अब चलेंगे हाँ इंशाल्लाह इकट्ठे प्लान करेंगे, सही है इंशाल्लाह, बहुत मजा आ रहा है साथ, तो फिर इंशाल्लाह जल्दी जल्दी में हम लोग पहुंचे अपने रूम में, रूम से सामान वगैरह उठाया, सामान वगैरह उठाने के बाद निकलने लगे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और रात के 10:10 की हमारी फ्लाइट है, लेकिन अभी रास्ते में एक स्टे है हमारा, जल्दी भाई ओके बाय बाय ओके अल्लाह हाफिज़, सामान वगैरह पीछे में रखता हूँ, ओहो ये इज़ल का टाइस रख देना, चलो रहने दो सॉक्स वगैरह जो रहेगी रहेगी, ऐसे ही बैग्स को रखते हैं, पहुंच गए हम लोग गवर्नर हाउस, बस यहाँ पर थोड़ी देर का काम है, काम से हम करने के बाद निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ, और ये बंदी यहाँ आकर भी इनकी चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, और मुझे डर ये है कि यहाँ पर किसी चीज को तोड़ ना दे, काम के अलावा जी मुलाकात हो गई है जहद से, जहद बहुत 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 प्यारा बच्चा है, और इसने मुझे पूरा गवर्नर हाउस विजिट भी करवाया, लेकिन पूरा कर नहीं पाए टाइम की कमी की वजह से, तब करेंगे वो कायदे आजम की चीजों को भी है ना, जो कायदे आजम के रूप में आपको, हाँ हाँ यार सीखना पड़ेगा किस अंदर क्या क्या, हाँ एक दफा प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी है ना, रेडी करनी है ना, हाँ ना सब मालूम कर लूंगा ये कितना पुराना है, तो मैं एक्यूरेट चीज आपको बता, सही बात, अभी फिर हम लोग जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब कायदे आजम के रूम का विजिट जरूर करेंगे, अब इनको ये भी बताएं कि यहाँ पे क्या कहते हैं आई टी कोर्सेज हुए थे यहाँ पर, यही पर आप देखें कि यहाँ पे इस पूरे ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड में पब्लिक आई थी, अच्छा, और ये गवर्नर हाउस के बाहर ना आपको बताऊँ नहीं बाइकें अलाउड होती नहीं रुकना, हाँ हाँ हाँ, और वहीं पर ही अंदर आ गए लोग, अच्छा आईटी कोर्स जी जी, मैं आपको अभी आप काफी थोड़े टाइम के लिए, पर मैं आपको दिखाऊंगा पीछे एक मार्की भी बनी हुई है, अच्छा तो शादी हॉल टाइप का होता है, हाँ वहाँ पर भी लोग थे, वहाँ पे भी लोग थे, पूरा ना एक क्या कहते हैं 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, अच्छा उसमें से 4,50,000 आए थे, हाँ। और 50,000 पास हुए, बाकी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, वाह बहुत मजेदार है यार, चलो सही है जैद थैंक यू सो मच, मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, हम लोग निकलेंगे पता है ना 10 बजे की फ्लाइट है, जी जी जी। हाँ अभी फिर जी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, टाइम हो चुका है 9:35, फ्लाइट में थोड़ी टाइम रह गया यार, ट्रैफिक अगर नहीं होगी तो फिर टाइम से पहुंच जाए, एयरपोर्ट पहुंच गए और जहाज के उठने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी है, लेकिन बस पहुंच गई है, बैठेंगे जहाज में, और पशोर पशोरे अभी बस जाएंगे सीधा घर, और घर जाते ही क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए,
और आराम हम लोग कर नहीं सकते बिकॉज आराम हुआ है आजकल हमारे लिए हराम, और इस हराम आराम में ही हम लोग इंजॉय भी करते हैं यार। बिकॉज जब भी जिंदगी गाड़ी चलती रहती है, सफर में रहती है, तब आप बहुत मौज मस्ती करते हो, लाइफ का फुल ऑन मजा उठाते हो, जब आप टिककर बैठ जाते हो तब कोई मजा नहीं बोरियत के अलावा। इसलिए हम लोग आते ही अपने बैग्स खोल कर बैठ गए, अभी बैग से कपड़े उठाकर बाहर फेंके हैं जो यूज हो चुके थे, और नए कपड़े हम लोग दोबारा से रख रहे हैं। इन कपड़ों को रखने के बाद निकलेंगे अपने अगले सफर की तरफ। ये पहना दो अभी के लिए, सुबह के लिए, सुबह के लिए। हाँ ठीक है ना, रख तो रख दो। एक मिनट बात सुनो, इन तीनों में से कौन सा पहनाऊंगी? इन तीनों में से नहीं, जो तुमने चूज किया है ना यही अच्छा है, और ये वाला भी अच्छा है। ये नहीं अच्छा, ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये और ये ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसकी पैंट वगैरह, पैंट है, पैंट में कंफर्ट नहीं होती है, ट्राउजर टाइप है। चलो ये रख लो, बिकॉज़ अभी अगर तुम्हारी गरारी इस पर अड़ गई है तो इसको ही डन कर। इसके लिए मुझे चीजें ढूंढनी पड़ेगी, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो ठीक है, निकलते हैं फिर। इसको ही रख लो फिर जल्दी जल्दी। ओए कुकू, कुकू मुझे ही ढूंढता फिर रहा है, लेकिन अभी मैं तेरे से सही तरह मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं दोबारा से निकला, मुंह नहीं खोला। ठीक है, मैं दोबारा से निकल रहा हूँ, वापिस आकर तेरे से मिलता हूँ। ठीक है पिंकी, पिंकी फोन वगैरह रखने के बाद अभी दोबारा निकल आया सफर पर, और जा कहाँ रहे हैं इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कल हमारे आने वाले नए व्लॉग में। ठीक है, अब दें इजाजत, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Parece saber cuando volver a mí. Of all my blessings, all my blessings.